मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरी दादी नवलगढ़ की रहने वाली थी और मेरी माँ जो थी वो झुंझुनू की रहने वाली थी। तो मेरी पैदाइश जो है वो वहाँ झुंझुनू में हुई है। तो जिस वक्त मैं वहाँ पर पैदा हुई तो सैयद साहब हमारे घर में बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने पूछा कि चांद बीबी के क्या हुआ है। हमारी माँ का नाम चांद बीबी था। तो किसी ने बोला कि चांद के लड़की हुई है। तो उन्होंने दुआएं दी और कहा इसका नाम मुबारक रखना। लारी चलाते चलाते वो थक गए और पांच बहन भाई हो गए थे। तो मेरे अब्बा कहने लगे कि वो अब मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगा और कहाँ तक ये मैं लारी फिराता रहूंगा। और इसको फिल्में देखने का मेरे को बहुत शौक था। बस फिल्में देखा करती थी और गाने सुरैया के नूर जाके उतार लाती थी। तो कहा इसको शौक भी है, मैं इसको बम्बई में ले जाऊंगा। तो वो बम्बई लेकर आए। बम्बई से पहले वो आए बड़ौदा अहमदाबाद। वहाँ पर लोगों ने कहा इसे गाना सिखाओ, वैसे फिल्मों में ले जाओगे तो अभी आता नहीं, कुछ जाता नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने, मेरे वाली साहब ने, खान साहब अब्दुल करीम खान साहब के भतीजे रियाजुद्दीन खान और समत खान, उन दोनों ने मिलके मुझे गाना सिखाया क्लासिकल। और ज्यादा मैंने ज्यादा सीखा नहीं, दो साल सीखा। तो उसके बाद अब्बा हमारे मतलब जगह जगह गाना सुनाने लगे। बोलो ठीक है, अच्छा अच्छा, बोलो अभी हम बुलाएंगे। और उसके बाद रफीक गजनवी साहब ने मेरा रेडियो पे गाना सुना और फिर मुझे बुलाया महबूब स्टूडियो में। और एक अपने आगा जानी कश्मीरी साहब की एक फिल्म थी, उसमें मुझे गाना गवाया। लेकिन जैसे मैं स्टूडियो पहुंची, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, उनको देख के मैं घबरा गई। दो गाने थे, मैं गा नहीं सकी। उसके बाद कमाल साहब एक फिल्म बना रहे थे दायरा, तो उनको गाने चाहिए थे जल्दी, लेकिन उस वक्त गाने कहीं से कोई आर्टिस्ट नहीं मिल रही थी। तो उस वक्त जमाल सेन साहब, तो उन्होंने ये कहा कि देखो आज हरिचंद्र राव की और भगवान दादा की एक फिल्म बन रही है धर्म पत्नी, उसमें मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ मीनू कातरक के फेमस में तार देव पे, अगर आप मुनासिब समझे तो बाकर भाई को भेज दीजिए जो उनके खास थे, आप वो सुन लेंगे। तो वो आए, बोला अच्छा बाकर साहब जाओ। वो आए, सुना, उन्होंने बहुत तारीफ की। बाकर साहब बोलो क्या अच्छी आवाज है कमाल साहब। उन्होंने मेरे गाने शुरू कर दिए। देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। असली राधा भगवन रुक न जाए कहीं देश धड़कन, जान लो असली राधा भगवन रुक न जाए कहीं देश धड़कन, ये न कहने लगे कोई बिरहन, ये न कहने लगे कोई बिरहन, मुस्का कर समरिया ने मारा, मुस्का कर समरिया ने मारा, देवता तुम हो मेरा सहारा। उसके बाद एक गाना था दीप के संग जलूं मैं, फिर एक सुनो मोरे नैना, ये सुन के कमाल साहब कहते थे वाह माशाल्लाह क्या आवाज है, बहुत खुश हो गए। और आठ गाने थे मेरे पूरी फिल्म में और वो गाने मतलब बहुत चले। और ये देवता तुम हो मेरा और भी कई ऐसे गाने हैं, तो
तो अब क्या हुआ, जिस वक्त वो गाने हो गए फिल्म के साथ, तो उस वक्त लोग फिल्म खरीदने आते थे, फिल्म खरीदने आते तो बोले भाई फिल्म दिखाओ, बोले मैं फिल्म नहीं दिखाऊंगा, गाने सुन लो, मेरे फिल्म के गाने इतने अच्छे हैं, आपको फिल्म लेनी है तो गाने, तो वो बेचारे गाने सुन के ही फिल्म उनके लिए कर गए थे। तो एक दफा बर्मन साहब के यहाँ मैं गई, तो उनको उन्होंने गाना सुना, सुनते अरे ठीक है ठीक है, आवाज को पॉलिश करो, ठीक है। उसके बाद फिर दो चार एक दो साल के बाद फिर उन्होंने खुद बुलाया देवदास के लिए और मुझे गाना गवाया। मेरी हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाए, वो ना आएंगे पलट कर उन्हें लाख हम बोला। बाद मैंने पूछा बर्मन साहब कैसा गाना कैसा हुआ, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा गाया। मैंने कहा देखो एक ये जमाना था आवाज को पारी। बड़ा फैन भी हूँ क्योंकि कुदरत ने उनको बहुत ही मीठी और सुरीली आवाज से नवाजा है। बदकिस्मती से उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इतने अच्छे गाने दिए हैं जो शायद आज के जनरेशन को पता तक नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इनकी आवाज फिर से लोगों तक पहुंचे। इन्होंने गैर फिल्मी गाने भी बहुत गाए हैं, वैसे शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान, और मैं मुबारक बेगम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जरा उनके जो राजस्थानी जो गाने उसमें से कोई एक बहुत अच्छा गाना जरा गुनगुना के बताया, राजस्थानी जबान का एक गाना है जो मतलब एक खत लिखवा रही है किसी को। हाँ जी। दा चारे तू कागत लिख दे, लिख परवानो मारे राजन को, दा चारे तू कागत लिख दे, लिख परवानो मारे राजन को।
और उसके बाद मैं फिल्मों में गाने लगी। मेरी छोटी बहन थी, वो फिल्मों में काम करने लगी। पृथ्वीराज जी की पिक्चर में पैसा में काम किया, चंगेज खान में काम किया और गृहस्थी में कई पिक्चरों में उन्होंने काम किया। इसका नाम मुमताज बेगम और विजय बाला हमने उसका नाम रखा था फिल्मी। पृथ्वीराज जी का पैसा उसमें मेरा ही गाना उन्होंने पिक्चराइज किया है। और हमारी याद आएगी ये तो बहुत चला, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, किदार शर्मा जी का था। और उसके बाद बेमरोवत बेवफा बेगाना दिल आप हैं, वो जानिसार अख्तर साहब जावेद साहब के फादर, उनका गाना था, ये भी बहुत चला। सरस्वती चंद्र में भी गाया कल्याण जी का, और भी कल्याण जी के कई गाने गाए, और बड़ी बड़ी फिल्मों में मैंने बहुत गाने गाए, बहुत चले और बहुत पब्लिक ने मुझे लाइक किया। लेकिन कुछ अरसे तक उसके बाद लोगों ने क्या किया, वो मेरे गाने ले लेते थे म्यूजिक डायरेक्टर, और बाद में वो कौन है कौन नहीं है तो खुदा ही जानता है, आप लोग भी जानते हैं, गाने मेरे कटने शुरू हो गए। कटने क्या, कटवाने हो गए शुरू, जैसे कि जब जब फूल खिले पिक्चर में गाना था परदेशियों से ना अंखियां मिलाना, वो मैंने गाया, कल्याण जी ने मुझे बुलाया गाया फेमस में। बाद में 5-7 दिन के बाद फिर बुलाया, मैंने कहा क्यों कल्याण जी का, बोले नहीं ये गाना डुएट हो गया। मैंने कहा कल्याण जी ये डुएट हो गया, इतने दिन से इंडस्ट्री में हैं हम लोग, हम समझते नहीं कि आप गाना काट रहे हैं। खैर मैंने कहा छोड़िए, नहीं बोला हमको बददुआ से डर लगता है, बददुआ से डर लगता है, मैंने कहा वो तो आपने ले ली बददुआ, मैंने कहा पैसे दीजिए मैं जाती हूँ। और उन दिनों में मेरी दिन में 2-2, 3-3, 4-4 रिकॉर्डिंग होती थी, मुराद साहब की पिक्चर डागर बिंदु के संगीत में उस वक्त, फिर शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, जैसे कि शबाब में, मतलब काफी फिल्में होती थी। और उसके बाद फिर 65-70 तक फिर कम कम होती गई, होते होते बिल्कुल बंद हो गए। तो उसके बाद फिर कोई चारा ही नहीं रहा, बड़ी फिक परेशानी, लोग कहने लगे अरे तुम लोग मिलती क्यों नहीं है जाके फिल्म वालों से, सब लोग मिलते हैं जुलते हैं, फोन करो। अब मैं फोन कर रही हूँ तो फोन पे बोलो वो तो मालिश करा रहे हैं। फिर कभी फोन किया किसी को तो बोलो पूजा में बैठे, कभी कहीं शूटिंग पे गए, किसी वक्त कोई फोन पे आया नहीं, ना किसी ने मेरा हाल पूछा कि तुम किस हाल में हो, क्या है क्या नहीं। और आज ये वक्त मुझ पे है, आज मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे अपना खर्चा चलाने तक को परेशानी है, क्यों मैं कहाँ से लाऊं, फंक्शन नहीं, शो नहीं, कुछ नहीं। ऑल इंडिया रेडियो वाले 2-3 साल में मुझे बुला लेते हैं और थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। कैसे छुपाऊं राज गम, दीदाए कर हो क्या करूं, कैसे छुपाऊं को मैं अपना इस काम का जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना काम दिया, शुरू शुरू इतने इतने बड़े बड़े प्लेबैक सिंगरों के बीच में से निकाल दिया, नूरजहां सुरैया, जोरा बाई अंबाले वाले, इनके बीच में से मुझे चांस दिलवाई, ये कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये पूछा भी नहीं कि मुबारक बेगम है किस हाल में, देखना तो चाहिए था। अब ये मुझे इस बात का बड़ा दुख है, मैं अब कुछ नहीं कहती।